नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मर्ज की दवा तो मिल ही जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि इस सियासी मर्ज की दवा कैसे मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो कोरोना का कोहराम है वो बदस्तूर बरकरार है, लेकिन उससे भी तेज फैल रही है तो सिर्फ और सिर्फ सियासत। आलम सियासत यह है कि दिल्ली से लेके जयपुर, राजधानी जयपुर तक का सियासी पारा अब तल्ख हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, जबकि महामारी का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री गहलोत की। दरअसल जो कोरोना का जो कोहराम है वो मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच चुका है। यदि मुख्यमंत्री निवास और उनके दफ्तर की बात करें तो एकाएक 10 कोरोना पॉजिटिव मिल जाते हैं, जिससे हड़कंप मच जाता है। अब देखिए कि कोरोना जैसे ही मुख्यमंत्री निवास पहुंचता है तो एहतियात के तौर पर जो आगंतुकों का, जो मिलने जुलने का, जो मुख्यमंत्री निवास में जो लोगों का सिलसिला होता है उसे कल शाम को बंद कर दिया जाता है। किस प्रकार से एहतियात बरती जा रही है उसका अंदाजे आलम इस बात से लगाइए कि जो कैबिनेट की बैठक आयोजित होने वाली थी कल शाम 5 बजे, उसे तक एन वक्त में रद्द करना पड़ा। इसके पीछे का जो प्रमुख कारण रहा वो कोरोना रहा। अब इसी के बाद अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे पायलट कैंप भी इसकी चपेट में आ गया। आपको बता दें कि जब जो पायलट कैंप के जो नेता थे, जब वो दिल्ली से जयपुर आए और जयपुर से आने के बाद जब वो अपने क्षेत्र में गए तो जाहिर तौर पर उनके शुभचिंतक, उनके समर्थक उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़े। नतीजा ये रहा कि पायलट कैंप के जो पूर्व मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, वो भी कोरोना की जद में आ गए और अभी उनका इलाज चल रहा है। विश्वेंद्र सिंह भी कोरोना की चपेट में आ गए। लेकिन अब सवाल ये है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका अमूमन जनता के बीच में उठना और बैठना होता है, लिहाजा कितने लोग उनके कांटेक्ट में आए होंगे और ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास तक कोरोना का संक्रमण फैल गया होगा। लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से जो सियासत है वो चल रही है संक्रमण काल में, वो जाहिर तौर पर बेहद चिंताजनक है। यदि बात की जाए जेईई और नीट परीक्षा को लेकर जो विवाद है वो बदस्तूर जारी है। लिहाजा गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ है, उन्होंने कल ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर जिस प्रकार से जो विवाद की स्थिति चल रही है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। लिहाजा राजधानी जयपुर समेत तमाम जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन किया गया और खास बात यह है कि राजधानी जयपुर में भी ये प्रदर्शन आयोजित हुआ। लेकिन आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान जो महामारी एक्ट है और जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। जबकि आपको बता दें कि यहाँ पर गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद रहे, महेश जोशी यहाँ पर मौजूद रहे, कई विधायक यहाँ पर मौजूद रहे, मंत्री मौजूद रहे और सचिन पायलट भी पहुंचे। जो खास बात है, सचिन पायलट भी आज के कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन में पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो लगातार ये बात कही जा रही है कि जो 2 गज का जो फासला है वो बरकरार रखा जाए, लेकिन अफसोस कि आज के प्रदर्शन में, कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में ये कहीं पर नजर नहीं आया। लगा ही नहीं कि कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। आप देख रहे हैं लगातार हम आपको वहाँ के विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, वहाँ के वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियाँ हैं वो खुलेआम उड़ाई गई। जाहिर तौर पर बड़ा सवाल ये नहीं खड़ा होता, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो WHO की जो गाइडलाइंस हैं, जो सरकार ने जो नियम बना रखे हैं, यदि उनकी पालना जनप्रतिनिधि ही नहीं करेंगे, मंत्री ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और यदि इस प्रकार के धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है तो जाहिर तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं, तो बेहतर होता कि यदि डिजिटल माध्यम का उपयोग किया जाता, वर्चुअल तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाता। लेकिन जिस प्रकार से जो तस्वीर आज देखने को आई वो जाहिर तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि
जो प्रदर्शन किया जा रहा था, खास बात यह है वो कोरोना को लेके ही किया जा रहा था कि जो जेईई और नीट की परीक्षा जो आयोजित होगी तो उसमें जो विद्यार्थी परीक्षा देने जाएंगे वो कहीं कोरोना की जिद में ना आ जाए, वो कहीं कोरोना की चपेट में ना आ जाए, लाखों जाने कहीं संसद में ना पड़ जाए, इसको लेके मुद्दा उठाया गया। लेकिन जो धरना प्रदर्शन किया गया वहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई। जाहिर तौर पर यह बेहद चिंताजनक लगा। लेकिन इस दौरान सचिन पायलट ने क्या कहा, चूंकि पायलट दिल्ली से आज राजधानी जयपुर आए और धरना प्रदर्शन में उन्होंने शिरकत की, तो सुनिए कि सचिन पायलट ने क्या कहा। वो ये नहीं कहता एग्जाम नहीं होने चाहिए, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, एग्जाम को पोस्टपोन करें ताकि लाखों बच्चे और उनके लाखों परिवार के सदस्य उन सबके स्वास्थ्य को जान के जोखिम में डालें, मैं समझता हूँ वो गलत है। देश में अभी ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा है, होटल बंद है, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो कैसे शहरों में जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, किस बस पे जाएंगे, किस ट्रेन में जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं करी गई। और शहरों के अंदर जो कंटेनमेंट जोन है, कर्फ्यू लगा हुआ है, केसेज है, वहाँ से लोग कैसे निकल पाएंगे, एक बार एग्जाम है लोग एक रात पहले जाएंगे, ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए मैं समझता हूँ समय लगेगा। आज केंद्र सरकार को इस परीक्षाओं को पोस्टपोन करना चाहिए। इस बात को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी नेशन एकजुट है, हमारी मांग को सरकार मानेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सुना आपने, सचिन पायलट आज प्रदर्शन में शामिल हुए और शामिल होने के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय प्रकट की। लेकिन बार बार यही सवाल खड़ा होता है कि जिस प्रकार से महामारी फैली हुई है, ऐसी स्थिति में यदि राजनीतिक दल ही इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री गहलोत तक कोरोना से डर गए, और वहीं बात की जाए पायलट कैंप तक इसकी चपेट में आ गया, लेकिन डोटासरा ऐसे वक्त में भी यदि धरना प्रदर्शन का ऐलान करते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं चिंताजनक है। तो दोस्तों, चलते चलते हम आपको ये भी बता देते हैं कि राजस्थान में भी कोरोना की क्या स्थिति है, कैसे भयावह हालात है, कैसे जो कोरोना का ग्राफ है वो दिन ब दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल कोरोना के जो कुल मामले हैं वो राजस्थान में बेहद चिंताजनक है, 76,000 के पार जा चुके हैं, और यदि रोज की बात की जाए कि रोज कितने मामले अब आ रहे हैं तो वो भी बेहद चिंताजनक है। तकरीबन 1300 मामले प्रतिदिन राजस्थान में कोरोना संक्रमितों के सामने आ रहे हैं। वहीं बात की जाए कि वो कौन सी जगह है जो अभी भी हॉट स्पॉट यानी कोरोना संक्रमण के गढ़ बने हुए हैं, तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है जोधपुर का और दूसरा नंबर आता है राजधानी जयपुर का। दोस्तों, सर्वविदित है कि इस महामारी की अभी तक जो वैक्सीन है वो नहीं खोजी जा पाई है, जबकि पूरा विश्व इस पर लगातार तरह तरह के परीक्षण कर रहा है। लिहाजा ऐसे वक्त में भी यदि इस प्रकार की राजनीतिक दलों की तस्वीरें और इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन सामने आएंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं चिंता प्रकट होती है, क्योंकि जिस प्रकार से चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिस प्रकार से आमने सामने ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो जाहिर तौर पर चिंताजनक है। यदि राजनीतिक दल ही इस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे तो आम जनता से कानून की पालना करने की अपेक्षा करना बेमानी होगी। दोस्तों, लगातार राजस्थान के हर छोटे बड़े मुद्दे पर हमारी पैनी निगाहें बनी हुई हैं, हर छोटी बड़ी खबरें हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।